बेमित्रा में क्षेत्रवासियों की उप तहसील की बहुप्रतीक्षित मांग पूरा होने के बाद संसदीय सचिव ने धाड़ी उप तहसील का लोकार्पण किया। उप तहसील बनाने की मांग 1970 से की गई थी। धाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने इसके लिए काफी संघर्ष किया था। धाड़ी तहसील के अंतर्गत 68 गांव को शामिल किया गया। उप तहसील शुरू होने से अब यहाँ राजस्व न्यायालय भी शुरू होगा। वहीं मुख्य रूप से धान बेचने के लिए पंजीयन, राशन कार्ड संबंधी समस्याओं का भी निराकरण जल्द ही हो सकेगा। भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से और गुरदयाल भैया के प्रयास से, इन्हीं के कारण ही दाढ़ी उप तहसील बन पाया है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसान छोटे छोटे कामों के लिए बेमित्रा में भटकते रहते थे। सबसे पहले मैं दाढ़ी उप तहसील के समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, जिन्होंने हमारी मांग को सहज स्वीकृति दी और आज दाढ़ी उप तहसील जो लंबे समय से मांग थी उसे पूर्ण स्वरूप मिला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।